नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि भगोड़े कारोबारी जो कि यहाँ से यानी भारत से कई सौ करोड़ जो है हजार करोड़ लेकर यहाँ से भाग खड़े हुए, ऐसे भगोड़े कारोबारियों की लिस्ट में जो नाम शामिल है जिसमें नीरव मोदी और विजय माल्या साथ ही मेहुल चोकसी जैसे नाम जो शामिल है, उनसे अब जो है 18,000 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि एक तरह से बड़ी राहत भरी खबर है कि इतना जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की अब कहीं ना कहीं भरपाई हो रही है और इसमें 18,000 करोड़ रुपए जो है वो अब वापस आ गए हैं। और इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको आपको हम विस्तार में बता देते हैं। दरअसल भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से सरकार अब तक 18,000 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है और ये पैसे जो है बैंक में वापस भी आ चुके हैं। यह जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। सरकार कोशिश कर रही है कि इन भगोड़े कारोबारियों से और जितनी जल्द हो सके इनका लिया गया ये जो पैसे जो नुकसान हुए हैं उस नुकसान को इस पैसे हैं जल्द से जल्द इनसे वापस वसूला जा सके। वही तुषार मेहता ने जस्टिस A.M. खानविलकर की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA से जुड़े मामले कुल मिलाकर 67,000 करोड़ रुपए के हैं और इसमें ईडी जो है उसने अपने मौजूदा समय में 4,700 मामलों की जांच कर रहा है। यानी प्रेशर समझ सकते हैं आप, कितने हजारों की तादाद में जो है का मामले है जुड़े हुए हैं, कितने हजारों की तादाद में जो है सारी चीजें हैं जिसमें ईडी 4,700 मामलों की जांच कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ईडी को PMLA के तहत प्राप्त शक्तियों के वृहद दायरे की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई भी कर रहे हैं। बता दें कि ईडी को PMLA के तहत जांच, जब्त, सर्च और संपत्ति जब्त करने का अधिकार पूरी तरीके से प्राप्त है। वही तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आगे अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि भारत में PMLA के तहत हर साल बहुत कम मामलों को जांच में लिया जाता है और इस मामले में प्रोग्रेस देखने के लिए मिलता है। वहीं ब्रिटेन में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हर साल 7,900 मामले, अमेरिका में 1,532 मामले, चीन में 4,690 मामले और ऑस्ट्रेलिया में 1,036 मामले, हांगकांग में 1,823 मामले, बेल्जियम में 1,862 मामले और रशिया में 2,764 मामले दर्ज किए जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो लिस्ट है ये काफी लंबी लिस्ट है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो भगोड़े कारोबारी है जिन्होंने इतना सारा नुकसान जो है बैंक को दिया, इतने सारे पैसे बैंक से लेकर ये भाग गए, जिसे लेकर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा जाता था, लगातार मोदी सरकार पर टिप्पणी की जाती थी। अब इन्हीं भगोड़ों से जो है सरकार ने बताया कि सरकार इनसे 18,000 करोड़ रुपए वसूल करने में सफल रही है। बता दें कि विजय माल्या हो या फिर मेहुल चोकसी, इनके खिलाफ कई सारे मामले जो है चल रहे थे और इस दौरान कई बार ऐसे भी हुआ, कई बार ऐसी मामले और मुद्दे भी सामने आए थे जब विजय माल्या का नाम खूब उछाला गया और इस दौरान मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया था। और ऐसे में एक मामला जो था वो ये था कि देश से फरार जो शराब कारोबारी थे विजय माल्या, उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के दावों को लेकर सियासत गर्म हो गई थी। एक तरफ माल्या के इस बयान को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो है मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा था, लगातार हमलावर हो गया था। वहीं अरुण जेटली को बचाव में पूरी सरकार उतर आई थी। आपको बता दें कि पर्यावरण के मामले में ब्रिटेन की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान माल्या ने एक बयान देकर वहां पर हंगामा मचा दिया था। माल्या ने कहा था कि वह भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री से मिलकर आए थे। शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा, मैं सेटलमेंट को लेकर वित्त मंत्री से मिला था लेकिन बैंकों ने मेरे सेटलमेंट प्लान को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माल्या के दावे की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। वहीं सीनियर लॉयर और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिद्धवी ने कहा था कि कांग्रेस लंबे समय से यह कह रहा है कि सिर्फ विजय माल्या ही नहीं बल्कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और कई अन्य को बिना कार्रवाई ही जाने दिया गया है। और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने ट्वीट कर कहा था कि विजय माल्या तो श्री अरुण जेटली से मिल विदाई लेकर देश का पैसा लेकर भाग गया, चौकीदारी नहीं भागीदार है।
वहीं इस दौरान आपको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं आम आदमी पार्टी भी काफी ज्यादा हमलावर नजर आई थी। इस दौरान कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला था। आप प्रमुख दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए थे और इस दौरान लगातार जो है नीरव मोदी का मामला हो या फिर कई बार तो नीरव मोदी का टाइटल मोदी है तो इससे भी लेकर टिप्पणी की गई कि सारे जो इस तरीके के लोग हैं इनके टाइटल मोदी ही क्यों होते हैं। उसके बाद मेहुल चौकसी की अब विजय माल्या को लेकर भी लगातार जो मामले आए थे इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक के बाद एक का जो है ट्वीट किया गया था। उन्होंने पूछा कि वित्त मंत्री ने अब तक यह सूचना क्यों छुपा रखी थी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से जवाब मांगा था। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई मामला है तो इसे लेकर लगातार जो है सरकार पर निशाने साधे जाते हैं, सरकार से जो है सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं, सरकार पर एक के बाद एक बातें कही जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरव मोदी को देश छोड़कर जाने से पहले उससे मिलते हैं और विजय माल्या के देश छोड़कर जाने से पहले वित्त मंत्री उनसे मिलते हैं। इन बैठकों में क्या पकाया जा रहा था, जनता ये जानना चाहती है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो विपक्ष है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावार नजर आती है, मोदी सरकार के ऊपर हमलावार नजर आती है और किस तरीके से सवाल खड़े करती नजर आती है। यही नहीं, विजय माल्या के बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था और उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि सिर्फ वित्त मंत्री ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी को विजय माल्या के साथ अपने संबंधों की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। वह इस दौरान आपको बता दें कि तमाम बीजेपी नेताओं से इधर जाकर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुलाकात को लेकर सवाल खड़े किए थे। स्वामी ने ट्वीट करके जो है एक मजबूत लुकआउट नोटिस के लिए बाद माल्या देश छोड़कर ही नहीं जा सकता, इसके बाद वही दिल्ली आया और किसी से मुलाकात की तो इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों गई। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए जाते थे, लगातार जो है नरेंद्र मोदी जी पर बीजेपी पर जो है इसे लेकर सवाल खड़े किए जाते, चाहे बात नीरव मोदी की हो, चाहे बात मेहुल चौकसी की हो या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी भगोड़े जो है बिजनेसमैन की बात हो तो उस पर लगातार जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता था, लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए जाते थे, भाजपा पर सवाल खड़े किए जाते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी बीजेपी और केंद्र सरकार को झेलनी पड़ी थी। लगातार कोई भी मुद्दे में उन्हें घसीटा जाता था और उनके नाम इन भागे हुए बिजनेसमैन से जोड़े जाते थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है जब सामने आया तो इसे लेकर जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे सरकार पे, तो उसी मोदी सरकार का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला। उसी मोदी सरकार द्वारा एक्शन देखते हुए जितने जो पैसे ये लेकर भागे थे उसमें से 18,000 करोड़ रुपए के जो राशि है उसे वसूल लिया गया है और यह 18,000 करोड़ रुपए जो है ये बैंक में वापस गए हैं। यानी ये एक बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं कि इतना एक बड़ा अमाउंट जो है जिसके नुकसान में अभी चल रहा था बैंक, इसमें से 18,000 करोड़ रुपए जो है वो बैंक में वापस गए हैं और साथ ही सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि अब जितना ज़्यादा पैसा हो सके, जितना ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हो सके उसे जो है वापस लाया जा सके, बैंक में वापस से डाला जा सके ताकि सही तरीके से जो है सुचारू तरीके से वापस से काम चलता रहे, क्योंकि इन्होंने बैंक से काफ़ी सारे पैसे उठाए और उसके बाद देश छोड़कर भाग गए। और ऐसे में जो है इससे लेकर लगातार मुश्किलें जो है सरकार को देखनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, एक के बाद एक विपक्ष के तारे सहने पड़े, एक के बाद एक विपक्ष की टिप्पणी जो है सुनने के लिए मिली। तो ऐसे में उनकी परेशानी जो है इसका यही उपाय कि सरकार ने अपने तरफ से एक्शन लिया और एक्शन के तहत 18,000 करोड़ रुपये आज के वक्त में वापस आ चुके हैं। इससे पहले 2021 में भी बताया गया था कि कुछ अमाउंट जो है सरकार ने जो है जब्त कर लिया, सरकार ने बैंकों को वापस किया है। अब 2022 में भी इसी तरीके से 18,000 करोड़ रुपये जो है वापसी हुई है, वापस से बैंक में डाला गया है और आने वाले वक्त के साथ जो है कहा जा रहा है कि जो एक बड़ा नुकसान जो है पैसे के मामले में हुआ था बैंकों को वो धीरे धीरे करके रिकवर किया जा रहा है और ये पैसे बैंक में वापस डाले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है फायदेमंद साबित होगा। कहीं ना कहीं जो भारी एक नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई तो नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है उसकी भरपाई की जा सकेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि भगोड़े कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से सरकार ने अब तक 18,000 करोड़ रुपए की जो वसूली है वो कर चुके हैं और ये जो पैसे हैं ये बैंक में वापस आ चुके हैं और ये पैसे बैंकों में वापस आ गए हैं। इस बात की जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को दी है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरीके से सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया गया कि सरकार किस तरीके से कोशिश कर रही है कि इन भगोड़े कारोबारियों से जल्द पूरे पैसे वसूल लिए जाए।
तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके से ये जो भगोड़े कारोबारी है कितने पैसे इन्होंने डुबा दिए और किस तरीके से अब धीरे धीरे पैसे की रिकवरी की जा रही है। तो ऐसे में सब पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।